हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसिज अनीता फ्रॉम हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हिसार। आज हम करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम करेंगे एरे इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम जानेंगे एरे है क्या। देखिए, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा टाइप। एरे क्या है? एरे कलेक्शन है सेकेंडरी डेटा टाइप। इट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। इट स्टोर्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर। क्या इट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। ये सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज हैं। इट स्टोर्स द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यूज को स्टोर करता है। इंडेक्स मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, और जो साइज है उसमें हम -1 करते हैं। अगर हम 5 का साइज है एरे का हमारा, तो ये स्टोर करेगा 0 to 4। 5 का साइज है तो मतलब उसमें कम कर देंगे, 0 से स्टार्ट करेगा 0 to 4। फिर हम कर रहे हैं एरे। फर्स्ट एन एरे कैन होल्ड डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप इन ईच स्लॉट। कह रहा है फर्स्ट एन एरे कैन होल्ड डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन ईच स्लॉट। डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। एरे कैन होल्ड एलिमेंट्स विद मिक्स्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग नंबर्स ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। सेकंड, द लेंथ ऑफ एन एरे इज डायनेमिकली साइज्ड एंड ऑटो ग्रोइंग। इसमें लेंथ को हम डायनेमिकली चेंज, ये डायनेमिकली साइज है, चेंज कर सकते हैं ऑटो ग्रोइंग। क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट एरेज, सिंटेक्स रहेगा एरे नेम एलिमेंट 1, 2, 3 जितने हमने नेम ले रखे हैं। फिर एग्जाम्पल कलर्स, ये हमने कलर्स के एग्जाम्पल ले लिए। फिर एडवांटेज, एडवांटेज क्या है? देखिए, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ जावा। एडवांटेज क्या है? ये हमारी सिमिलर डेटा टाइप्स की कलेक्शन होती है डेटा की। इफ वी वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ ऑल स्ट्रैंड्स, इट विल बी इजी टू स्टोर एन एरे। अदरवाइज वी विल टू स्टोर मार्क्स इन डिफरेंट लोकेशन, इट इज नॉट इजी टू मेमोराइज। अगर हमें काफी सारे स्ट्रैंड्स के डेटा इकट्ठे लेने हैं तो इसमें हम एक साथ ले सकते हैं। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जगह लेते हैं तो हमें याद करने में दिक्कत आती है। वी हैव टू ओनली रिमेम्बर द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे। एरे में हमें सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को ही ध्यान याद रखना पड़ता है। फिर यूज टू इम्प्लीमेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज एंड ग्राफ। यूज टू इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम डेटा स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू, ट्री, ग्राफ, एक्स्ट्रा। ये कई सारे हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसे। फिर है डिसएडवांटेज। अभी तक तो हमने पढ़ी एडवांटेज क्या। एडवांटेज यही है कि कलेक्शन ऑफ डेटा सिमिलर डेटा टाइप है, हम बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ एक ही वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं, और इसे हमें उनको स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना होता है, और हम उसे याद हमारे लिए इसको मेंटेन करना इजी होता है। हम एक ही एरे के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स ले सकते हैं। फिर है डिसएडवांटेज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज इन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज इन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसमें बढ़ जाती है इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन में। वेस्टेज ऑफ मेमोरी बिकॉज एरे आर फिक्स्ड इन साइज। ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है क्योंकि इस एरे का साइज इसमें फिक्स हो जाता है। मान लो हमने एरे का साइज 100 दे दिया और हमें 20 चाहिए, एलिमेंट है हमारे पास 40, दो जो 60 साइज है वो हमारा इसमें वेस्ट ही जाता है, तो इसको हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं। इफ देयर इज एन स्पेस प्रेजेंट इन द मेमोरी बट नॉट इन कंटिग्यूअस फॉर्म, इन केस यू विल नॉट एबल टू इनिशियलाइज योर एरे। दूसरा, अगर हमारा ये कंटिग्यूस फॉर्म में नहीं है तो हमें इसको प्रेजेंट करने में दिक्कत होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ एरे। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है एरे का साइज इंक्रीज करना। वंस यू हैव डिक्लेयर्ड द एरे, एक बार जब हम एरे डिक्लेयर कर चुके हैं तो हमें साइज इंक्रीज करने में पुश करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी इसकी डिसएडवांटेज है। तो अब हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। हम इसका फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नोटपैड पे गए,
यहाँ पे हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल लेते हैं, सब नाम का एक एरे ले रहे हैं, इज इक्वल टू एरे। ये हमने 5 साइज ले लिया। इसको हम अगर खाली छोड़ेंगे तो भी हमारा ये भी चलेगा, ऑटोमेटिक हम इसमें जितने एलिमेंट देंगे ये स्टोर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ 5 ले रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिख लिया सब। अब हम लिखते हैं इंडेक्स नंबर एरे का सब 0 इज इक्वल टू 34। ये हमने 0 पे स्टोर कराया, सब 1। ये हम लेंगे 4। ये हमने 0 से 1 2 सेकेंड नंबर पे नहीं लिया है हमने, सब 2, नहीं तो फिर ये हमारा ब्लैंक रहेगा। ये देखिए 1 0 1 2 3 4, 5 साइज है तो 0 2 4 ले लिया, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम प्रिंट करा रहे हैं सब 0। स्क्रिप्ट 4, इसका नेम चेंज कर लेते हैं, इसी में स्टोर कर लेते हैं, यहीं से इसका आउटपुट देखते हैं, लाइन 3। यहाँ पे हमने साइज दिया एरे में, ठीक है कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। चलो एक बार फिर देखते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं, थ्री का 1 VAR सम, सब सम लिखा हुआ है, सब आएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये देखिए अब इसको रन करते हैं, ये देखिए सेम आना चाहिए, ये देखिए 34 आ गए। सब वेरिएबल नेम, यहाँ पे एरे का नेम अलग था, यहाँ अलग था, ये हमने एक कर दिया वेरिएबल में सब। अब देखिए यहाँ पे हम एक, यहाँ पे 0 पे क्या है 34, अब हमें 0 पे 1 प्रिंट कराना है। सेव किया प्रोग्राम को, ये देखिए यहाँ पे 34 है, ये 67। अब देखिए क्या 1 पे 67 है, यस 1 पे 67 है। अब हमें, हम मोर देन 1 एलिमेंट्स अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं, मोर देन 1 एलिमेंट भी हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं। देखिए हम उसको प्रिंट कराएंगे इंडेक्स नंबर के साथ ही, हम उसको इंडेक्स नंबर के साथ ही प्रिंट कराएंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इसको यहां ले लेते हैं 0 में, और अब यहां पे लिखेंगे सब 0 प्लस, यहां पे 1 इज इक्वल टू लगा लेते हैं 1, और प्लस प्लस जरूर लगाना है दोनों साइड हमें, यहाँ भी यहाँ भी, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। ये कमेंट्स हो गया, ठीक है। अब हमें फिर से सब जो हमारा एरे का नेम है, और हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ये देखिए बीच में हमें ब्रेक भी ले लेंगे, नहीं तो ये हमारा एक ही लाइन में आएगा। हम इसमें ब्रेक लेना चाहें तो यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ये देखिए 0 इंडेक्स नंबर जो वैल्यू है वो दिखाएगा, फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट लाइन में इंडेक्स नंबर और इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी।
देखिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ भी इसमें प्लस की, ये देखिए सब सब यहाँ पे देखिए मिस्टेक्स आ क्या रही है, ये हम ध्यान से पढ़ेंगे इसको कि कहाँ पे बता रहा है, 8वीं लाइन का 46 नंबर, ये 8वीं लाइन है, ये हमारा 46 सब जीरो इज इक्वल टू प्लस सब जीरो, ठीक है। बी आर ये ब्रेक टैग लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, प्लस ब्रेक सब यहाँ पे, एक बार कुछ छोटी मोटी देखना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे ब्रेक भी, ठीक है, दोबारा करते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम इसमें कर सकते हैं ब्रेक, ये इंडेक्स नंबर के साथ, अगर हम इसमें कोमा देना चाहें तो हम ब्रेक की जगह यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कोमा लगा लेंगे, तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे। ये हमारा इंडेक्स नंबर है कि हमें इंडेक्स नंबर के साथ हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, स्लाइड्स पे आते हैं अपनी मेन स्लाइड्स पे। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम दो वैल्यू प्रिंट करा चुके हैं और ऐसे ही कई सारी करानी हो तो हम उसमें इंडेक्स नंबर देके करा सकते हैं। आगे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट इन एरे। अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं, इसी में ही करते हैं, हमें एक और प्रोग्राम करना है एरे का, 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल सब यही रख लेते हैं इज इक्वल टू एरे 5, ये हमने लिया। हम एक यहाँ पे वेरिएबल में ही आई और ले लेते हैं क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट को रन टाइम पे एंटर कराना है। फिर अलर्ट एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, I is equal to 0। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इज इक्वल मैं लिख रही हूँ आई को, हम एरे को स्टार्ट करते हैं जीरो से। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 4, ये जीरो से 4 जाएगा, और अगर मैं यहाँ लेस देन 5 करती हूँ तो ये 0 टू 4 ही चलेगा, 5 पे नहीं जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 5 तक कैसे जा सकता है, 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इज इक्वल टू का यूज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 4 लिखूंगी तो वो बेटर रहेगा समझने में ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। फिर है सब, यहाँ पे परसेंट प्रॉम्प्ट एंटर मार्क्स, अलर्ट एंटर्ड एंटर्ड मार्क्स आर। फोर में अब हम लिखेंगे, फोर लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब देखिए ब्रेक लगाया हमने और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, इसको उसी में सेव करते हैं। हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं, पार्सेंट प्रॉम्प्ट एंटर मार्क्स, ठीक है,
अलर्ट एंटर्ड मार्क्स आर, ये हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हम इसको फाइव, एंटर फाइव सब्जेक्ट मार्क्स, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए एंटर्ड मार्क्स आर, ये हमारे मार्क्स हैं जो हमने एंटर कराए हैं रन टाइम पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमें एरे के अंदर अगर हमें रन टाइम पे कोई भी काम वैल्यू लेनी है तो हम उसमें ऐसे वर्क करेंगे, एरे का साइज लेंगे सबसे पहले, एक लूप चलाने के लिए कोई भी एक वेरिएबल, फॉर लूप में हमने जितने हमें सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं उसी के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन लेंगे, और सब्जेक्ट एरे का नेम प्लस आई, यहाँ ये हमने लूप चलाई है डेटा को एंटर कराने के लिए, ये हमने लूप चलाई है डेटा को एंटर कराने के लिए, यू ये लूप हम चलाएंगे डेटा को प्रिंट कराने के लिए, ये हम चलाएंगे डेटा को प्रिंट कराने के लिए। तो इस तरह हमने इसके दो प्रोग्राम किए हैं, इसी में और भी आगे कई सारे प्रोग्राम हैं, हमें ऐसे ही इन सब्जेक्ट्स का जो हम नंबर दे रहे हैं इनका टोटल निकालना है, हमें इनका एवरेज निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब एक प्रोग्राम और करेंगे। देखिए इसी में मैं एक और प्रोग्राम करवाती हूँ आपको, हमें फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स से एंटर करा के उनका टोटल निकालना है। फिर से करते हैं ये प्रोग्राम ऐसे ही शुरू से, सब्जेक्ट हम यही रखेंगे, अब हम लेते हैं वेरिएबल आई कॉमा टोटल इज इक्वल टू जीरो, अलर्ट एंटर फाइव सब्जेक्ट मार्क्स, एंटर फाइव सब्जेक्ट मार्क्स, ये हमने लिखा। अब हम लूप लगाएंगे फोर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू फोर, सब्जेक्ट आई पार्सेंट ट्रम्पेट एंटर मार्क्स, एक बार और, फिर ये हमने एंटर कराया, लूप लगाई मार्क्स को एंटर कराने के लिए। अब हम जब हमारे मार्क्स एंटर हो गए हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, एंटर्ड मार्क्स आर हम आउटपुट में लिखेंगे, अलर्ट एंटर्ड मार्क्स आर, फिर ये हमने लिखा। अब हम एक लूप और लगाएंगे टोटल करने के लिए, फोर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू फोर, आई प्लस प्लस, टोटल लिखा हमने, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस सब आई, सब ये हमने इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ऐसे लिखा टोटल। अब हमें इनको प्रिंट कराना है, अब हमें क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे सीधा ही लिखते हैं सब आई प्लस, ब्रेक लगाया हमने, ब्रेक लगाने के बाद हम लिखेंगे टोटल मार्क्स यहां पे लिखेंगे टोटल, सेव किया इसको हमने,
सेंटर 5 मार्क्स 12, 56, 78, 90, 89 एंटर्ड मार्क्स आर, ये देखिए एंटर्ड मार्क्स और ये टोटल मार्क्स आ गए हमारे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने नेक्स्ट प्रोग्राम किया एरे में, हमने कोई 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए हैं और उनका टोटल किया है एरे के थ्रू। तो ये हमने एरे में नेक्स्ट प्रोग्राम किया। ऐसे ही हम एरे में और प्रोग्राम करते हैं, हम कोई भी वैल्यू देकर एरे को रिवर्स प्रिंट करवाते हैं, रिवर्स प्रिंटिंग का प्रोग्राम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो गया हमारा, टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, रिवर्स ऑफ एन एरे एलिमेंट। ये देखिए ये हमारे पास रिवर्स ऑफ एन एलिमेंट का प्रोग्राम है, इसको हम करते हैं। देखिए वेरिएबल में हम वैल्यू लेते हैं ए इज इक्वल टू एरे आई अलर्ट एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। I is equal to 0, I is less than and is equal to 4, I plus plus, यहाँ पे हम लिखेंगे is equal to percent और अब लिखेंगे prompt। एंटर एरे एलिमेंट्स हम यहां पे लिखते हैं आई प्लस पोजिशन। ये हमने लिखा, अब हम करते हैं अलर्ट एरे एलिमेंट्स आर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमने यहाँ पे एरे एलिमेंट्स, यहाँ पे एरे को हमने प्रिंट करा लिया। अब हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑन रिवर्स ऑर्डर। ऑन रिवर्स ऑर्डर फोर आई इज इक्वल टू फोर आई इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू जीरो, सीधा जीरो ग्रेटर देन जीरो आई माइनस माइनस। ये हमने लूप में कंडीशन ली। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां पे हम लिखते हैं ए आई प्लस बी आर और ये हमने किया स्क्रिप्ट है क्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने एरे में एक और प्रोग्राम किया है, हमने एरे में 4 वैल्यू 5 वैल्यू लिए, 5 वैल्यू को एंटर कराया, फिर हमने उनको
सिंपल एरे में जैसे प्रिंट कराते हैं प्रिंट कराया, फिर हमने उनको रिवर्स में लिया, फिर हमने उनको रिवर्स में लिया है। ये देखिए यहां पे पोजिशन, यहां पे इसको अलग से लेंगे। ये देखिए एंटर एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स ऑन रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम प्रिंट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एरे के प्रोग्राम जो हमने किए हैं। मेन स्लाइड्स पे आते हैं। ये हमारा देखिए सम एंड एवरेज निकालने का प्रोग्राम है। ऐसे ही हम इसका सम निकालने का प्रोग्राम कर चुके हैं, तो एवरेज हमारे आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोग्राम किया एरे के। आई होप मैंने सिंपल से ही प्रोग्राम लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।